हेलो माय फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरे चैनल का नाम है शीतल आदर्श प्रताप और मैं हूँ शीतल। हम सबको पता है कि गणेश चतुर्थी आ रहा है, तो एडवांस में मेरे तरफ से आप सबको हैप्पी गणेश चतुर्थी। तो गणेश पूजा में हम सब बहुत ही खुशी से गणपति बप्पा को अपने घर पर लेकर आते हैं और उन्हें मोदक चढ़ाते हैं और हम सब भी प्रसाद के रूप में मोदक खाते हैं। फिर हम लोग मिलकर घूमने भी जाते हैं ना घूमने, तो घूमने जाएंगे तो सेल्फी तो जरूर लेंगे। तो इसके लिए गणेश चतुर्थी में बहुत सुंदर से मेकअप करना पड़ेगा हमें। तो चलिए मैं शेयर करती हूँ आप सबके साथ गणेश चतुर्थी मेकअप। अब मैं मियोन का प्राइमर अप्लाई करूंगी अपने टी जोन एरिया पे और अच्छे से अप्लाई करूंगी इसे डैब डैब करके, जिससे कि मेरे ओपन पोर्स मिनिमाइज हो जाए और एक स्मूथ बेस मिले। आप भी प्राइमर को हमेशा टी जोन एरिया पे ही अप्लाई करें। इसके बाद मैं फीट मी का फाउंडेशन लगाऊंगी, जो मेरा ऑल टाइम फेवरेट है। इसके बारे में मैं क्या बताऊं, मैं हर हमेशा अपने पूरे वीडियो में बताती हूं, मैं हमेशा अपने वीडियो में बताती हूं आपको कि मुझे ये बहुत पसंद है। ये लाइट वेट है, बिगनर्स के लिए बहुत ही अच्छा है, बहुत अच्छे से ब्लेंड हो जाता है। अभी मेरे फेस पर ये लाइट दिख रहा है, लेकिन अच्छे से ब्लेंड करने से ये मेरे स्किन पर एब्जॉर्ब हो जाएगा और बहुत ही लाइट कवरेज देता है। अब मैं स्विस ब्यूटी का कंसीलर लगा रही हूँ। ये स्विस ब्यूटी का कंसीलर मुझे बहुत पसंद है, बहुत अफोर्डेबल प्रोडक्ट है ये हर बिगनर्स भी इसे अप्लाई कर सकते हैं। अब मैं ब्यूटी ब्लेंडर की सहायता से डैब डैब करके इसे अच्छे से ब्लेंड करूँगी। ये कंसीलर बहुत ही अच्छा कवरेज देता है, आप अच्छे से इसे ब्लेंड करेंगे तो बहुत ही अच्छा कवरेज देगा। आप एक बार इसे यूज़ करके देखिए। अब मैं लूज पाउडर अप्लाई करूंगी, ये इनसाइड का बनाना लूज पाउडर है। मैं उसे लूज पाउडर से ही अपने पूरे फेस को कंसीलर को अच्छे से सेट करूंगी। लूज पाउडर से बहुत ही अच्छे से फाउंडेशन और कंसीलर सेट हो जाता है, एक अच्छा बेस मिलता है। मैं अब कॉम्पैक्ट नहीं अप्लाई करूंगी, लूज पाउडर से ही अपने पूरे फेस को सेट करूंगी और जो एक्स्ट्रा पाउडर फेस पे है उसे ब्रश की हेल्प से साफ कर लूँगी। अब मैं मियोन का आईब्रो पेंसिल अप्लाई कर रही हूँ। ये कलर डार्क ब्राउन है, मुझे बहुत सूट करता है ये डार्क ब्राउन का पेंसिल और मैं मियोन का बहुत समय से अप्लाई कर रही हूँ। देखिए कितना छोटा हो गया है, मुझे बहुत पसंद है, बहुत अच्छे से हो जाता है आईब्रो फिल इस मियोन के पेंसिल से। अब मैं उसे थोड़ा सा सेट कर लूँ। अब मैं कॉन्टोर अप्लाई करूँगी। ये कॉन्टोर स्टिक इनसाइट का है, ये ड्यूअल कॉन्टोर है, इसमें हाइलाइटर भी है। ये बहुत ही अफोर्डेबल प्रोडक्ट है। मैं बहुत ही लाइट कलर के सेट का कॉन्टोर अप्लाई कर रही हूँ, ये 01 सेट है। अब मैं ब्रश की हेल्प से कॉन्टोर को ब्लेंड करूंगी। फेस को कॉन्टोर करना बहुत ही ज़रूरी होता है, इससे एक अच्छा शेप आता है फेस पे। जब हम फेस पे फाउंडेशन और कंसीलर अप्लाई करते हैं तो बहुत फ्लैट दिखने लगता है फेस, इसलिए हमें कॉन्टोर बहुत ज़रूरी हो जाता है फेस को शेप में लाने के लिए। मैं बहुत ही नेचुरल ब्लश पिंक कलर का बहुत ही नेचुरल अप्लाई कर रही हूँ। बहुत ज़्यादा अप्लाई करने से बहुत ही ड्रामेटिक लगने लगता है। तो अब मैं आई मेकअप स्टार्ट करूँगी अपना और मैं आई शैडो पैलेट से ब्राउन कलर का सेट ली हूँ और इसे मैं अच्छे से अप्लाई करूँगी आउटर कॉर्नर से इनर कॉर्नर की तरफ, अच्छे से ब्लेंड करूँगी। और ये जो आई शैडो पैलेट मैं ली हूँ ये बहुत ही अफोर्डेबल है, कलर स्टूडियो का है, बहुत ही अच्छी पिगमेंटेड कलर है इसकी। तो मैं बहुत ही अच्छे से इसको ब्लेंड कर रही हूँ। मैं आज आईज़ मेकअप बहुत ही सिंपल रखूँगी। अब दूसरे आई शैडो पैलेट से मैं गोल्डन कलर का सिमरी सेड लूँगी और अपने फिंगर से ही उसे ब्लेंड करूँगी, मिडिल पे अप्लाई करूँगी बहुत ही अच्छे से फिंगर से। बहुत ही सुंदर लग रहा है देखने में, ये गोल्डन नहीं है, ये जस्ट लगता है कॉपर के कलर का है। बहुत ही सुंदर कलर आया है, बहुत सुंदर लग रहा है ये सिमरी सेट। आप जैसा कलर का साड़ी पहने हैं अपने कलर के हिसाब से मैच करके ही आई मेकअप करें। इसके बाद मैं लाइनर अप्लाई करूंगी अपना फेवरेट लाइनर लैक्मी का, जो मैं हमेशा हर वीडियो में अप्लाई करती हूँ लैक्मी का लाइनर।
आज मैं लाइनर बहुत ही थिन अप्लाई कर रही हूँ। मैं दूसरे साइड भी लाइनर को अप्लाई कर ली हूँ। अब मैं लगाऊंगी काजल लैक्मी का। मैं काजल को अपने वाटर लाइन पे अप्लाई करूंगी। आज मैं पतला अप्लाई करूंगी और सिर्फ कॉर्नर पे नहीं पूरे वाटर लाइन पे अप्लाई करूंगी आज काजल। अब मैं सेम ब्लू हेवन का जो हर वीडियो पे मैं अप्लाई करती हूँ, आज भी मैं वही मस्कारा अप्लाई करूँगी। मुझे बहुत पसंद है ये मस्कारा और मेरे फ्रेंड्स बोलते हैं कि तुम्हारी आईलैशेस बहुत ही सुंदर है, तुम्हें फॉल्स आईलैशेस लगाने की कोई ज़रूरत ही नहीं, इसलिए मैं फॉल्स आईलैशेस ही कम अप्लाई करती हूँ। मैं अपर लेसेस और लोअर लेसेस दोनों में मस्कारा अप्लाई कर ली हूँ। अब मैं लिपस्टिक लगा लूँगी। मेरा मेकअप अब कंप्लीट हो गया है। अब मैं मेकअप को फिक्स करने के लिए मेकअप फिक्सर से अच्छे तरह से सेट कर लूँगी, मेकअप फिक्सर से फिक्स कर लूँगी। ये मेकअप फिक्सर स्विस ब्यूटी का है, ये भी बहुत ही अफोर्डेबल है, जो हर बिगनर्स इसको अप्लाई कर सकते हैं। अब मैं हाफ मून वाली बिंदी लगा लूँगी और नोज पिन पहन लूँगी, जैसे महाराष्ट्रन लुक पहनते हैं, पूरा ट्रेडिशनल महाराष्ट्रन लुक की तरह। अब मैं गले में मंगलसूत्र पहन लूँगी और मैं अपना हेयर स्टाइल अब चेंज करूँगी। मैं सोच रही हूँ कि मैं जूड़ा बना लूँ। यस, मैं जूड़ा बना ली हूँ और चूड़ी भी पहन ली हूँ, ग्रीन कलर का, जैसे महाराष्ट्रन लुक पहनती हैं, ग्रीन कलर का चूड़ी और दोनों साइड गोल्डन बैंगल। अब कान में मैं गोल्डन झुमका पहन ली हूँ, बालों में गजरा लगा ली हूँ। इस तरह से मेरा गणेश चतुर्थी लुक कंप्लीट हुआ। अब आप बताएं कि ये लुक आपको कैसा लगा। अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ बताएं, और भी दूसरा लुक देखना चाहते हैं तो भी बताइए, और जिस तरह का प्रोडक्ट आप देखना चाहते हैं, जानना चाहते हैं कि बिगनर्स के लिए क्या अफोर्डेबल प्रोडक्ट है, तो प्लीज़ मुझे कमेंट करें, बताएं। और फ्रेंड, कैसा लगा आप लोग को मेरा आज का गणेश चतुर्थी मेकअप महाराष्ट्रन लुक? अगर आप लोग को अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और अपने फ्रेंड्स लोग को शेयर करना नहीं भूलिएगा। और मेरी वीडियो को अगर आगे भी देखना चाहते हैं, मेरे इस मेकअप लुक को और भी अलग अलग तरह के, तो प्लीज़ उस छोटे से बेल को ज़रूर बजाइएगा जो सब्सक्राइब के बगल में है, जिससे मेरी जो भी वीडियो होगी वो आपके पास आएगी और मुझे आप लोग से इसी तरह प्यार मिलता रहेगा। गणपति बप्पा मोरिया, गणपति बप्पा मोरिया, गणपति बप्पा मोरिया। हैप्पी गणेश चतुर्थी। बाय बाय।